राजन, कुछ ऐसे क्विक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चार पांच, जिसका जवाब आप फटाफट वन वर्ड में उसका आंसर दीजिएगा। कितने घंटे सोते थे आप? एट, एग्जामिनेशन के पहले दिन कितना सो रहे थे? 8 घंटा। आपको क्या लगता है कि क्लास के बाद में जो 6 महीने की क्लासेस होती है सी इंटर में, उसके बाद में 3 महीने का मौका मिलता है, जनरली जो आपको 1 महीने का मिला था, तो 3 महीने में यू थिंक इट इज इनफ फॉर सेल्फ स्टडी आफ्टर क्लासेस? थ्री ओके, मंथ्स क्लासेस के दौरान आप कितना घंटा पढ़ते थे? क्लासेस ही देख रहा था मैं उस टाइम पे। मैंने सेल्फ स्टडी भी बाद में, कि जैसे टाइम कम था तो मेरा मेन फोकस है एक बार क्लासेस खत्म कर, फिर उसके बाद अपन आराम से सेल्फ स्टडी कर सकते। डू यू थिंक राइटिंग टेस्ट पेपर इज इम्पोर्टेंट? डू यस यू थिंक आईसीए के आरटीपीज एंड पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स आर इम्पोर्टेंट? यस पेपर में प्रेजेंटेशन मैटर करता है, स्पेशली थियोरेटिकल सब्जेक्ट में? आई कैन नॉट कमेंट आई गेस बिकॉज मतलब इतना अच्छा प्रेजेंटेशन मेरा भी नहीं था, बट हैंडराइटिंग शुड बी लेजिबल। पढ़ाई करते साथ में सोशल मीडिया का यूज करना चाहिए सीए स्टूडेंट ने, यस और नो? डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट। पढ़ाई के दौरान क्या आप अपने दोस्तों से बात करते थे या बिल्कुल आइसोलेशन में थे आप? नहीं, दोस्तों से बात होकर, कुछ क्लोज फ्रेंड्स थे उनसे बात होती पढ़ाई थी। के दौरान कोई बोले कि हमारे शादी में आ जाओ, बर्थडे में आ जाओ, तो क्या उसने जाना चाहिए आपके थे या बिल्कुल आइसोलेशन में जाए? नहीं, बिल्कुल आइसोलेशन में तो नहीं था मैं। आई मेरे यूज खास टू, दोस्त का बर्थडे है। हाँ, खास दोस्त का रहता था तो मतलब राजन, पेपर होने के बाद में डिस्कशन करना चाहिए कि नहीं? पेपर होने के बाद में आपने उसको डिस्कशन अपने दोस्तों से करना चाहिए या नहीं, बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहिए? बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहिए। राजन, आप पेपर होने के बाद में मार्क्स काउंट करते थे, कितने मार्क्स आने वाले हैं मुझे? नहीं, जब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो कौन सी ऐसी दो बातें जो आपको लगता है कि वन हैज टू फॉलो व्हाइल अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस? फर्स्ट इज डिसिप्लिन, मतलब आपको रोज क्लासेस देखनी है और उस टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड डिसाइड कर लो, उसके अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करो। और सेकंड, अगर वो इतना कंप्लीट नहीं होता है तो एटलीस्ट एक 1 or 2 days यू शुड गिव बफर। कभी कभी बच्चों का होता है कि वो कंप्लीट नहीं हो गया और फिर वो उसके ऊपर ही रोते हैं, मतलब इट्स नॉट, फिर वो एक थोड़ा डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ आ जाता है, गिल्टी फील होता है, तो 1-2 दिन तो भी बफर रखना चाहिए। सक्सेस इज ऑल अबाउट हार्डवर्क और टैलेंट और कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, राजन, क्या बोल सकते हैं सक्सेस इज ओनली अबाउट टैलेंट? नो, हार्डवर्क इज ऑल्सो नेसेसरी, दोनों चाहिए। राजन, बहुत सारे लोग का ये डाउट है जो वर्नाकुलर मीडियम से पढ़ते हैं कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जिसके वजह से मैं पास होने में मुझे दिक्कत होगी। आप अपने इंग्लिश को आउट ऑफ 10 कितना रैंकिंग देते हो? 7 आई गेस।